नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाई कॉमर्स गुरु ढाली में। मैं नगर ढाली एक बार फिर आपके लेकर आया हूँ आपकी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्थिक प्रणालियाँ। इस आर्थिक प्रणालियाँ क्या है इसके लिए जानने के लिए सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। चलिए आज का टॉपिक है आर्थिक प्रणाली यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम मींस ऐसी संस्थाओं का ढांचा यानी कि ऐसी संस्थाओं का समूह होता है, ग्रुप ऑफ सच इंस्टीट्यूशन, जिसके द्वारा समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जा सकता है। विच ऑपरेट द ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड आर्थिक प्रणाली, इज कॉल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मींस आर्थिक प्रणाली जो होता है संस्थाओं का ढांचा होता है, संस्थाओं का समूह होता है जिसके अंतर्गत किसी भी अर्थव्यवस्था में उस समूह के द्वारा सभी आर्थिक गतिविधियों को संपूर्ण किया जाता है। तो ये तो हो गई आर्थिक प्रणाली। क्या होता है आर्थिक प्रणाली का मतलब होता है संस्थाओं का समूह जो कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करता है और उसको देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए काम करता है। किस विश्व की जो आर्थिक प्रणालियां है उसको हम ध्यान से देखें तो आर्थिक प्रणालियों को तीन प्रकार में बांट सकते हैं। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मींस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मींस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था मींस सोशियोलॉजिस्ट इकोनॉमी और मिश्रित अर्थव्यवस्था मींस मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए तीनों के बारे में हम अलग अलग से समझते हैं। सबसे पहले है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मींस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसके नाम से बोलता है पूंजीवादी, जहां पर पूंजी का पूरा वो होता है, प्रभुत्व होता है, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्तियों पर निजी अधिकार होता है यानी कि पूंजीवादियों का अधिकार होता है। पूरे देश की समस्त संपत्ति है उस पर जो है निजी अधिकार होता है, उसे हम निजी संपत्ति मानते हैं। यानी कि देश की संसाधनों का उपयोग करना निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, वो अपने लाभ के लिए उसका प्रयोग करते उत्पादन करते हैं। उसका दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। ये जो है पूर्ण रूप से आर्थिक गतिविधियों करने के लिए यहाँ पर स्वतंत्र होते हैं। सारी कंपनियां अपने यहाँ स्वतंत्र रूप पर फ्री इकोनॉमी होती है, फ्रीडम के साथ काम करती है। इसमें किसी प्रकार का गवर्नमेंट का हस्तक्षेप उनका नहीं होता है। देयर इज नो इंटरप्रिटेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट है मुक्त व्यापार। सारा व्यापार जो है फ्री होता है, किसी प्रकार का इसमें कोई टैक्सेस वगैरह नहीं होता है, फ्री रूप से ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट, इस अर्थव्यवस्था में क्योंकि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, देन इस अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता बहुत ज्यादा होती है तमाम कंपनियों के इसमें, तमाम संस्थाओं को आगे बढ़ने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए और अपनी पैठ बनाने के लिए उपभोक्ताओं के बीच इनके बीच में कंपटीशन होती है और ये कंपटीशन जो है कभी कभी उपभोक्ताओं को लाभ भी पहुंचाता है। नेक्स्ट है कीमत संयंत्र। यहाँ पर तमाम वस्तुओं की कीमत का निर्धारण जो है कीमत संयंत्र, जो कि हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कीमत संयंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई, यानी कि डिमांड और सप्लाई के द्वारा यहाँ पर कीमतों का निर्धारण होता है। यानी कि जिस वस्तु की मांग जितनी ज्यादा होगी उसकी कीमत भी उतनी ज्यादा होगी और जिसकी मांग कम होगी उसकी कीमत भी कम होती चलेगी। ये तो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सिम्टम्स होते हैं, उसके फीचर होते हैं। हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंदर सभी संसाधनों पर जो है सरकार का अर्थात समाज का संपूर्ण अधिकार होता है और समाज के हित में ही उन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है सामाजिक स्वामित्व, यानी कि संसाधनों पर उस देश की अर्थव्यवस्था में मौजूद समस्त संसाधनों पर समस्त वस्तुओं का सामाजिक स्वामित्व होता है, यानी कि सरकार का अधिकार होता है और सरकार जो है समाज के हित के लिए ही वो सारा काम करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित, इसके अंतर्गत किसी भी संस्था को किसी भी कंपनी को जो है फ्रीडम नहीं मिलता है, वो सरकार के अधीन समाज के हित के लिए ही काम करता है, सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून के तहत ही उनको पालन करता है और मैक्सिमम ज्यादातर इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ही होता है गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जाता है। प्रतियोगिता की अनुपस्थिति क्योंकि सारा का सारा गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर कंपटीशन होने का सवाल ही नहीं होता है, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में होता है। सरकार की भूमि यहाँ पर इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में होता है। समाज सरकार की भूमिका सबसे अहम होती है, सरकार की नीतियाँ
देश के विकास के लिए मैक्सिमम ये नीतियां वहां पर काम करती है जहां की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा जो है खराब होती है और उनको आगे लाने की जरूरत है, जब सरकार की भूमिका अहम है, इसलिए सरकार की भूमिका इन अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे नाम पर मिश्रित, ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ये जो है पूंजीवादी प्लस समाजवादी, यानी कि निजी और समाज दोनों का ही मिक्सर होता है, दोनों के फीचर्स इसमें पाए जाते हैं और ये मैक्सिमम आज के डेट में विश्व में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर निजी स्वामित्व होने के साथ साथ समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है, यानी कि निजी व्यक्तियों का भी अधिकार होता है और सरकार का भी अधिकार होता है, यानी दोनों जो है तालमेल के साथ आपसी सामंजस्य के साथ जो संसाधनों का उपयोग करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता होती है, संस्था को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, लेकिन वो भी शर्तों के साथ, गवर्नमेंट सरकार के नियमों के साथ, सरकार की कंडीशन को अप्लाई करते हुए उनकी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है ताकि वो सरकार के नियम कानून को मानते हुए अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए कार्य करे। कीमत प्रणाली समाज के हित में, यहाँ पर भी कीमत प्रणाली, यानी कि कीमत प्रणाली मतलब डिमांड एंड सप्लाई का यूज करते हुए ही कीमत निर्धारित होती है, लेकिन यहाँ पर समाज के हित का ध्यान रखा जाता है, यानी कि सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानून को ध्यान में रखते हुए कीमतों का निर्धारण किया जाता है। और अंतिम है सीमित प्रतियोगिता, क्योंकि यहाँ पर सरकार का पूंजी का दोनों लिमिटेड होता है ऑप्शन, देन यहाँ पर जो है प्रतियोगिता भी सीमित होती है, होती तो है लेकिन कम होती है क्योंकि सरकार के द्वारा कई इंस्टीट्यूशन को जो है अपना सहयोग प्रदान किया जाता है, इसलिए कंपटीशन कम हो जाता है लेकिन होता है। इस प्रकार से तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण भारत और चाइना, समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण जो है इस टाइम फिलहाल कभी मिलेगा जैसे नेपाल वगैरह देश होता है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जैसे आप जानती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे इंग्लैंड है, जैसे यूएसए है, जापान है, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के देश होते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।